सहनावतु सहनोभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विदुक्त वाणी व्यवहार जो हमारे दिव्यता का आधार है, जिसके व्यवहार से संबंधों में प्यार होता है, संबंधों में टकरार नहीं एक दूसरे के प्रति प्यार होता है। और यदि वाणी व्यवहार हमारा ठीक नहीं तो आपसी टकरार और दिलों में दरार और घरों में दीवार हो जाती है। हम दिलों में दरार बनने वाले ना बने, हम घरों में दीवार खड़ी करने वाले ना बने। संबंधों में दरार आती है, घरों में दीवार आती है, तो जीवन किस काम का? हमारा जीवन तो उत्तम हो, सर्वोत्तम हो। हम जीवन और जगत के कल्याण करने वाले बने, हम अपने मन पर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले बने। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि हम जितेंद्रिय बने, इंद्रियों पर नियंत्रण हो, और इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर के हमारी जो वाणी है, हमारा जो वाक व्यवहार है, उसमें वेदानुकूल आचरण करें, ज्ञान से युक्त वाणी का हम प्रयोग करें। ज्ञान से युक्त वाणी हमारे जीवन को और जगत को कल्याण से भरने वाली है। और ये जितेंद्रियता जब आएगी तो क्या होगा? जितेंद्रियता आएगी, व्यक्ति सोमपायी होगा, अपने जो है शरीर को भी, मन को भी, इंद्रियों को भी वह प्रबलता से सफलता की ओर ले जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे आगे इसी पर। बहुत ही सुंदर बात कही है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 8वें सूक्त के 7वें मंत्र में, 8वें मंत्र में, यदि हम इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे तो क्या होगा? हम जो है वास्तव में सोमपायी बन जाएंगे और यह बहुत ही महनीय जीवन हो जाता है। जो व्यक्ति सोमपायी होगा वास्तव में वह वासना का क्षय करने वाला होता है। यह कुक्षी जो उधर सोम पातमः, अधिक से अधिक सोम का पान करने वाला होता है, अर्थात सोम को अपने में पूर्णतः सुरक्षित रखने वाला होता है, वो समुद्र इवह, मतलब अंतरिक्ष के समुद्र की भांति पिनवते सेचन करने वाला होता है। और वह वास्तव में आपह उर्वी, समुद्र जो उसका कर्म है, और उर्वी विशाल होते हैं। यह संकुचित कर्मों को न करके व्यापक और श्रेष्ठतम कर्मों को करने वाला होता है। आपह जो कर्म है, और उर्वी विशाल, क्योंकि मनुष्य तो कर्मशील ही है ना, और कर्म की प्रधानता है इसके जीवन में। तो यह वास्तव में जो उदारता है, जो व्यापकता है कर्मों की, स्वधर्म की, उसको जरूर इसके जीवन में उतारना होता है। संकुचित स्वार्थ की वृत्ति से ऊपर उठ करके श्रेष्ठ कर्मों का करने वाला होता है। और न काकुदः, बहुत बोलने वाला नहीं, अपितु जो काकुत है, वाणी नाम मैंने पिछली कक्षा में चर्चा किया था काकुत, तो ये जो है कर्मवीर होता है, ना कि वाकवीर। केवल बोलना ही नहीं, बोलने से कहीं अधिक कर्मों का अनुष्ठान, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो वाणी का हम दुरुपयोग ना करें, हम बोले कम करें ज्यादा। और इसी बात को फिर ये कब जो है होता है, कहा कि वेदवाणी का स्वाध्याय करने से, वेदवाणी का जब हम अपने जीवन में उसका आधान करेंगे तो सुनृताम, ये जो अच्छी उत्तम दुखों का परिहार करने वाली रित, बिल्कुल ठीक सत्य जान देने वाली वेदवाणी विरपसी, विविध सत्य विद्याओं का प्रतिपादन करने वाली होती है। और इस वेदवाणी में हम
सोम का रक्षण करने वाले बनते हैं और ऐसी वेदवाणी हमारे जीवन में उतर जाए, हम जीवन में उसको जीना आरंभ कर दें, तो ये वेदवाणी हमारी वाणी बन जाए। इसको मैं मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम एवा ह्यस्य एवा यस्य सुनृता सुनृता विरप्सि विरप्सी गोमती मही गोमती मही पक्वा शाखा पक्वा शाखा न दाशुषे ऋग्वेद के पहले मंडल के प्रथम मंडल के 8वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम एवाह्यस्य सुनृता विरप्सि गोमती मही पक्वा शाखा न दाशुषे। ओम एवाह्यस्य सुनृता विरप्सि गोमती मही पक्वा शाखा न दाशुषे। बहुत ही सुंदर बात कही है। जैसे पहले मंत्र में कहा था, इसके पहला मंत्र जो 7वां था, कि हम सोमपायी बने और सोमपायी बन करके अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके, वाणी पर नियंत्रण करके कर्मशील और कर्म की जो है महिन्यता को समझते हुए कर्म का स्वधर्म का पालन करने वाले बने। आगे कहा कि वास्तव में सोमपायी बनने पर ही निश्चय से अस्य इस इंद्र परम जो ज्ञान रूप परम ऐश्वर्यशाली प्रभु की सुनृता
सुऊन रित उत्तम दुखों का जो परिहार करने वाली तथा रित बिल्कुल ठीक सत्य जान के देने वाली वेदवाणी जो सब सत्य विद्याओं का जान देने वाली है और संसार की सब विद्या जो वेद से ही निकलती है ऐसी जो कल्याणी वेदवाणी है इसका परिज्ञान जब होता है इसका ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है तो हम उत्तमोत्तम जीवन जी पाते हैं और सभी प्रकार के दुखों से हम बच पाते हैं। यह बिल्कुल सत्य ज्ञान देने वाली है। विरपसी विविध सत्य विद्याओं का प्रतिपादन करने वाली है। रपलप व्यक्तयम वाची तो इस वेदवाणी के सोम का इस वेदवाणी में सोम का रक्षण करने वाला व्यक्ति सब सत्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करता है और गोमती यह वेदवाणी उस सोमपाई के लिए गौ आदि धनों को देने वाली होती है। हमारी ये वाणी भी गौ कहलाती है, ये रसना भी जो जिह्वा है। तो यह जैसा ज्ञान विज्ञान इस कल्याणी वेदवाणी से हमको मिलता है उसी प्रकार से हम अपने वाक व्यवहार को रखें, अपनी वाणी को रखें और हमारी वाणी भी अत्यंत कल्याणकारी होनी चाहिए। हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान विस्तृत हो और ज्ञान से युक्त वाणी हो, सुनृत हम बोले, कोई भी ऐसा जो है अल्पज्ञता या संकीर्ण भाव में हम कोई भी वाक्य कोई शब्द ना बोले। हम न केवल इस वेदवाणी का स्वाध्याय करें अपितु जो ज्ञान इससे मिलता है, जो ज्ञान हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए है, उसको हम जीना आरंभ करें और इस प्रकार से हर प्रकार के धन धान्य से हमको परिपूर्ण करने का सामर्थ्य इस वाणी में होता है। और मही महापूजायाम यह वेदवाणी उसकी मानस वृत्ति को पूजा वाली बनाती है, अर्थात जहां इसका मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण होता है वहां इसके हाथ धन कमाने वाले होते हैं और इसका हृदय पूजा की भावना से ओतप्रोत होता है। यह वेदवाणी दासुषे दासवान के लिए दान देने वाले के लिए अर्थात लोभ की वृत्ति से ऊपर उठे हुए मनुष्य के लिए पक्वा शाखाना परिपक्व शाखा और उसके समान हो जाती है, अर्थात जैसे कि एक पूर्ण परिपक्व शाखा से विविध फलों की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार से दासवान के लिए वेदवाणी विविध इष्ट फलों को देने वाली होती है। इस वेदवाणी से सब कुछ मिलता है, क्षीर सर्पी मधु उदक सब, ये जो है चाहे हम ऋग्वेद पढ़े सामवेद पढ़े उसमें भी इसका बहुत ही वर्णन मिलता है। तो इससे जो है जैसे स्तुता मया वेद मादा माता प्रचोदयंताम पाव मानी दुजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम मह्यम दत्वा ब्रह्म वर्चसम, ये सब जो है प्राण जो है आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति द्रविण ब्रह्म वर्चस अमृतत्व ये सब कुछ देने वाली है कल्याणी वेदवाणी। और इसका जो प्रयोग करने वाला इसको जो जीने वाला उसको ही मिलती है, ऐसा नहीं कि इसको पढ़ लिया और फिर भूल गए, पढ़ लिया तो मिल जाए वस्तु, ना ना ऐसा कभी हो नहीं सकता है। हम इसको पढ़ें सुने क्योंकि यह सब सत्य विद्याओं की जननी है, सत्य विद्याओं को देने वाली है, यह अत्यंत कल्याणकारी है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना, जैसी यहाँ पर वाणी का जो है वर्णन है, जैसे वाणी की महिमा गाई जा रही है, तो ये वाणी कल्याणी वेद वाणी ये हमारी वाणी बन जाए, हम ऐसा आचरण करें, हम ऐसे ज्ञान से युक्त हों जो हमारी समस्याओं का समाधान हो, इस जगत की समस्याओं का समाधान हो, जो संपूर्ण व्यवधानों से बच करके ईश्वर की जो असीम
जो जान की सरणी है, जो जान गंगा है, इसमें हम स्नान करके स्वयं भी तरें और दूसरों को भी तारने का कार्य करें, तो ये अत्यंत हमारे लिए और इस संसार के लिए कल्याणकारी होगी। इसके विपरीत, क्योंकि हम देखते हैं संसार में कितने प्रकार से लोग अपने जीवन को जो है इतना जो है निष्क्रिय बना लेते हैं, इतना जो है अपने जीवन को कष्टमय बना लेते हैं, दुखमय बना लेते हैं, दूसरों को भी बनाते हैं ऐसे ही। तो इससे हम बचें और हम कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करें, इसको अपने जीवन में उतारें। बहुत सुंदर बात कही है इसी नौवें सूक्त में, पहले मंडल के नौवें सूक्त के चौथे मंत्र में कहा कि अश्रिग्रामिन्द्र ते गिरा प्रति त्वा उदा हासत अजोषा वृषभम पतिम, कि जीव प्रभु स्तवन करता हुआ कहता है कि हे इंद्र, मेरे सब वासना रूप शत्रुओं का संहार करने वाले प्रभु ते गिरा, तेरे स्तुति वचनों को अश्रिग्रम बनाता हूँ, प्रभु के स्तवन के लिए यज्ञ रूप वाणियों को गिरा कहते हैं, और कर्म प्रधान स्तुति जो गिर नामक वाणियों से ही होती है। अतः ये बात जो कही है कि हमारा जो विश्व हित के दृष्टिकोण से कार्यों को जो करता हुआ स्तुतियों का निर्माण करता है, ये स्तुतियां वृषभम सब सुखों की वर्षा करने वाली हैं, और पति पति मतलब सबके पालक, त्वाम आपके प्रति उदहासत उद्गत होकर के प्राप्त होती हैं। कर्म की प्रधानता में ज्ञान की परम आवश्यकता है, बिना ज्ञान के कर्म हमारा उत्तम नहीं होगा। इसलिए ज्ञानेन्द्रियां किसके लिए मिली है, कर्म करने के लिए मिली है। ये जो वेद का जो ज्ञान है ये किसके लिए है, ये जो ज्ञान है, ये जो विज्ञान है, ये हमारे जीवन में उतर जाए। हमारे जीवन में जब उतरेगा तो जीवन सुधर जाएगा और हम सार्थक जीवन जी पाएंगे। तो ये जो कहा कि त्वाम आपके प्रति उद्गत होकर के प्राप्त होती हैं, और कर्म प्रधान जो स्तुतियां हैं, स्तुतियों को करने वाला यह व्यक्ति लोक हित का साधन करने वाले उन कर्मों का जो है गर्व नहीं करता, उन कर्मों से होने वाले सुख का वर्धक वह प्रभु की महिमा समझता है, प्रभु की कृपा समझता है, और उन कर्मों के द्वारा प्रभु का जो है प्रभु ही वास्तव में लोक का पालन कर रहे हैं ऐसा उसका निश्चय होता है। वह प्रभु को ही वृषभ का पति समझता है। अजोषा हे प्रभो, आपने उन वाणियों का प्रीति पूर्वक सेवन किया है, ये मेरी कर्म प्रधान गिराएं आपको प्रसन्न करने वाली हो, क्योंकि मन वाणी और शरीर ये कर्म करने के साधन है। तीन साधन, मन से कर्म होता है, वाणी से होता है, और शरीर से होता है। तो जो हमारा मन है, जो हमारी वाणी है, जो हमारा व्यवहार है शरीरगत, वो वास्तव में आपके द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर ही उत्तम से उत्तम हो, उत्तमोत्तम हो, और उत्तरोत्तर हम वृद्धि को प्राप्त हो, समृद्धि को प्राप्त हो, यश कीर्ति को प्राप्त हो, क्योंकि इसी से हमारा और जग का कल्याण होने वाला है। आपकी वाणी मेरी वाणी बन जाए, आपका दिया हुआ ज्ञान ये हमारा ज्ञान बन जाए, और ये अपार महिमा आपकी। कितनी वेद के उपदेश आदेश संदेश को हम सुनते हैं समझते हैं तो वास्तव में जीवन हमारा कितना महनीय हो जाता है। हम क्या क्या कहें, क्या क्या बोलें, ये वाणी भी उतना सामर्थ्य नहीं रखती है कि आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना कर पाए, आपकी पूरी पूरी महिमा गा पाए, क्योंकि आपकी महिमा तो अपार है। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे, तेरी अपार महिमा।
भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा, भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा, अब तक नहीं मिला जो तेरे समान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे, तेरी महानता की सीढ़ी को छू न पाए, तेरी महानता की सीढ़ी को छू न पाए, दुनिया में कोई चाहे कितना महान होगा, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे, जिस आदमी के सर पर करुणा का हाथ रख दे, जिस आदमी के सर पर करुणा का हाथ रख दे, उसकी हर एक मुश्किल पल में आसान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे, किसकी मजाल कोई तेरे खिलाफ बोले, किसकी मजाल कोई तेरे खिलाफ बोले, सारे जहां में लागू तेरा विधान होवे, तेरी अपार महिमा आँखों से देखने की तू चीज ही नहीं है, अंतःकरण में तेरा प्रत्यक्ष जान होवे, तेरी अपार महिमा, जीवन में लोग तुझको पहले नहीं बुलाते, जीवन में लोग तुझको पहले नहीं बुलाते, तब पथिक याद करते जब जलब पे जुबान होवे, तब पथिक याद करते जब लब पे ये जान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे। ओम शांति शांति शांति।